हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो फिर आज हमने डिस्कस करना है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का टॉपिक। हमने इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ा हुआ है, रिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, और हमने आज जो पढ़ना है वो क्या है, हमने इंटीग्रल डोमेन को एक कंसेप्ट से रिलेट करना है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यानी कि फील्ड। तो इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब बन सकते हैं ये देखेंगे, और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड ही बनती है हर केस में ये भी देखेंगे। इसका एक छोटा सा प्रूफ है वो समझेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं वो है जोसेफ ए गैलिन। डमेटे फुटे भी बहुत अच्छी बुक है, इन केस आपको कोई और रेफरेंस बुक यूज़ करनी हो, या फिर म्यूसली भी रिंग्स एंड मॉड्यूल्स के लिए अच्छी बुक है। पर हमारे ठीक है, तो एक संस्कृत का श्लोक लिखा है उसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उससे एक मीनिंग भी नीचे लिखे हैं उसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कल्पयति येन वृत्तन्ति येन च लोके प्रशस्यते सद्भि स गुणस्तेन च गुणीनान रक्षय सर्वधनीयश्च। द स्किल दैट सस्टेन्स, इसका मतलब क्या है, द स्किल दैट सस्टेन्स लाइवलीहुड एंड विच इज़ प्रेज्ड बाय ऑल शुड बी फॉस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉर योर ओन डेवलपमेंट। अर्थात जिस गुण से आजीविका का निर्वाह हो और जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, अपने स्वयं के विकास के लिए उस गुण को बचाना और बढ़ावा देना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है, बहुत अच्छी बात को समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो आपको लगता है कि आप में बहुत स्पेशल है, जो आपने ओवर टाइम उसे कल्टिवेट किया है, कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसा स्किल है, और साथ में वो आपका लाइवलीहुड भी सस्टेन करता है, मतलब एक टैलेंट है जिसके थ्रू आप पैसे भी कमा पा रहे हो, इतने कमा पा रहे हो कि अपनी आप लाइफ चला पाओ, अपने आप को इंडिपेंडेंटली देख पाओ, तो फिर आपको उस टैलेंट को ज़िंदा रखना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये अभी बेशक आपके काम ना आए, क्योंकि मे भी अभी आप में से काफ़ी लोग ना करें, पर थोड़े टाइम बाद इस बात की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ध्यान रखें और लाइफ में इस्तेमाल करें। हम जो बातें रोज़ सीखते हैं मोरालिटी क्लास में, आपको लगेगा कि मे भी एकदम से अभी काम आने वाली ना हूँ, हो सकता है आगे की लाइफ के लिए आपको कोई बात सिखा रही हूँ, जब आप कुछ कमाने लग जाओ तब के लिए बता रही हूँ। तो कीप दिस ऑल इन योर माइंड, एकदम वो होता ना आगे आगे वाले खाने में रखना, ताकि जब भी आपको रेफर करने की ज़रूरत पड़े आप दिमाग का वाला खाना मतलब एक कबर्ड टाइप, उसे खोल के देख सकते हो और अपना ये इंपॉर्टेंट बात निकाल सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या कह रहा था, हाँ हमें बात करनी है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होती है वो फील्ड होती है। इस पर चलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या चीज़ है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसे रिकॉल कराते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन क्या चीज़ है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है कि कब हम एक इंटीग्रल डोमेन को फील्ड कहते हैं। अगर हम ये तीन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे तो फिर हम आज वाली थ्योरम भी आंसर कर पाएंगे। तो फील्ड क्या होती है, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। फील्ड क्या होती है, हमने देखा अगर हमारे पास एक रिंग गिवन है, कोई भी रिंग है, मान लो आर प्लस डॉट, उसे हम फील्ड कब कहते हैं, जब वो ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज़ बताएं ज़रा, जो भी प्रेजेंट है अब तो याद होनी चाहिए आपको। पहली प्रॉपर्टी कि आर प्लस क्या बन जाए, एक अबेलियन ग्रुप बन जाए, यानी कि R विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन या एडिशन कह लो, वो एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, सेकंड जो है अपना वो क्या है, सेकंड है कि अपना जो R स्टार है, R स्टार यानी कि पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी माइनस कर दो, और सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो भी एक अबेलियन ग्रुप बन जाए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर जाएँ दोनों लेफ्ट और राइट। अगर ऐसा हो जाए तो हम कह देंगे कि ये जो रिंग है ये एक्चुअली में फील्ड बन गई। इनफैक्ट रिंग भी जरूरत नहीं है, मैं रिंग लेके चलने की जरूरत नहीं है, लेट दिस बी एनी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर ये कोई भी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और उसमें एलजेब्रिक ये वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएं कि वो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर पहले अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर ले फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, फिर सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर उसमें से आइडेंटिटी माइनस कर दे तो फिर से अबेलियन ग्रुप बन जाए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज उसमें होल्ड कर जाएँ, तो हम इसे कहते हैं फील्ड। याद है सबको, पिछली वीडियो में इसे हमने डिस्कस किया है, हमने काफ़ी सारे इसके इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे कि सबसे ट्रिवियल फील्ड्स आर प्लस डॉट रियल नंबर्स की फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड, फील्ड ऑफ रैशनल्स, और साथ में हमने कुछ स्पेशल फील्ड्स भी देखी थी जैसे कि गैलरॉफ फील्ड जिसे हम F4 भी कह सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, इसे भी रिकॉल कर लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, अगर हमारे पास एक रिंग गिवन हो, अब स्पेशली हम रिंग लेके चल रहे हैं, एक रिंग हमारे पास गिवन हो, कैसी होनी चाहिए वो रिंग होनी चाहिए कॉम्यूटेटिव, और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग गिवन हो जिसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो, यानी कि यूनिटी भी प्रेजेंट हो, एक रिंग जिसमें कॉम्यूटेटिविटी भी हो और यूनिटी भी हो, एंड साथ में नो जीरो डिवाइजर्स हो, यानी कि जीरो डिवाइजर्स कोई भी प्रेजेंट ना हो। जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, याद है सबको, तो अगर जीरो डिवाइजर्स भी ना हो तो हम कहते हैं दिस इम्प्लाइज दैट आर प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है,
जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं सबको याद है? जीरो डिवाइजर्स मतलब ऐसे एलिमेंट, सपोज हमारे पास कोई भी ए है जो रिंग में बिलोंग करता है, तो इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो बी फॉर नॉन जीरो ए सच दैट ए इन टू बी करें तो जीरो आ जाए अपने पास, तो हम कहते हैं कि ये क्या बन गया, जीरो डिवाइजर बन गया। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? नो जीरो डिवाइजर्स सेइंग दैट द रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स इज सेम एज सेइंग कि अगर ए डॉट बी करके जीरो आ रहा है तो या तो ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज एक रिंग सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहते हैं वो इंटीग्रल डोमेन है। इसके एग्जाम्पल्स बताएं ज़रा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। एक तो सिंपल, एज अ नेम सजेस्ट, इंटीजर्स इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करते हैं। साथ में जेड एन, वो भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है नहीं करता है? जेड एन करता है नहीं करता है? तब करता है जब एन क्या हो, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर हो तब करता है, अदरवाइज दिक्कत आती है। याद है? ठीक है। एंड इस तरीके से हमने और भी एग्जांपल्स देखे। रियल नंबर्स जो है वो भी एक फील्ड भी फॉर्म करते हैं, इंटीग्रल डोमेन भी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है, एंड सो ऑन। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है हमने वो रिवाइज कर लिया, फील्ड क्या होता है हमने वो भी रिवाइज कर लिया। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, जिन्होंने भी आंसर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है बिफोर मूविंग टू आर टुडेज टॉपिक इज कि एक इंटीग्रल डोमेन को हम फील्ड कब बना सकते हैं, व्हेन या हाउ कैन इंटीग्रल डोमेन बी मेड इनटू अ फील्ड, उसे हम फील्ड कब बना सकते हैं, इसका जवाब दीजिए जो भी हमें प्रेजेंट है। बहुत आसान आंसर है इसका, आप थोड़ा सा भी अगर रिलेट करो तो कब बना सकते हैं हम इसे। अब आपको हमने प्रॉपर्टीज बता दी, बस उस इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की प्रॉपर्टीज को ही रिलेट करके इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर आप इसे आंसर कर पाओगे तो आज वाली थ्योरम भी आप समझ पाओगे। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर जो भी प्रेजेंट है। अब देखो इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज को जरा दोबारा से लिखते हैं एक नए तरीके से। बेसिकली दिस इज अ रिंग जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में या बिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। बात सही है एकदम, क्योंकि रिंग है तो ऐसा तो हो ही रहा होगा। ये भी हो रहा होगा कि आर स्टार डॉट जो है वो सेमी ग्रुप बन रहा होगा क्योंकि रिंग है। ठीक है, और सेमी ग्रुप बनने के साथ साथ इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, तो हम सेमी ग्रुप की जगह इसको क्या कह सकते हैं, मोनोइड कह सकते हैं। सेमी ग्रुप प्लस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर यूनिटी इज प्रेजेंट, अगर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बेसिकली मोनोइड बन रहा है। ठीक है, ये मोनोइड बन रहा है। और तीसरी बात कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में इंटीग्रल डोमेन में एक और बात क्या होती है कि वो कॉम्यूटेटिव भी होती है, तो मोनोइड के साथ साथ ही कॉम्यूटेटिविटी भी इसमें है। अब आप देखो कि ये तो अबेलियन ग्रुप है, ये मोनोइड है, साथ में कॉम्यूटेटिविटी भी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे हैं। अब फील्ड को कंपेयर करते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर हम कहें कि एफ प्लस डॉट फील्ड है, इसका मतलब क्या है, दोबारा से याद करो, अभी ऊपर भी बात करी, दोबारा मैं जानबूझ कर लिख रही हूँ। इसका मतलब है कि एफ क्या बन जाए, अबेलियन ग्रुप बन जाए, और एफ स्टार डॉट क्या बन जाए, दोबारा से अबेलियन ग्रुप बन जाए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर जाए। तो अब देखो कि फर्स्ट और फर्स्ट प्रॉपर्टी मैच करी है, लास्ट और लास्ट प्रॉपर्टी मैच करी है, सेकंड प्रॉपर्टी ही हमें मैच करानी है बस। अब इसमें देखो सेमी ग्रुप भी है, आइडेंटिटी भी है, कॉम्यूटेटिविटी भी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मिसिंग है यहाँ पे। कौन सी? जैसे कि सौरभ ने कहा बिल्कुल सही कि इसमें इन्वर्स नहीं है। इंटीग्रल डोमेन में हर एलिमेंट का इन्वर्स मिले ये ज़रूरी नहीं है, तो इन्वर्स इसमें नहीं है। पर फील्ड में क्योंकि ऑलरेडी अबेलियन ग्रुप है तो उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बस ये एक ही फ़र्क है। तो अगर इंटीग्रल डोमेन में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तो वो फील्ड बन जाएगी, यानी कि इंटीग्रल डोमेन प्लस इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट अगर उसमें एग्जिस्ट कर जाए तो हम कह देंगे कि वो क्या बन जाएगी, फील्ड। ये लेमैन लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको ये बात याद रहे, यानी कि इंटीग्रल डोमेन में बस अगर हम हर एलिमेंट का इन्वर्स डाल दें तो फील्ड बन जाएगी, है कि नहीं? यही काम करना है, क्लियर है बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो बस फिर चलते हैं आज के काम पे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने चाह रहे हैं। बिल्कुल, रोहित गौतम ने भी सही गैस किया कि इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर जाए मल्टीप्लिकेटिव सभी का तो हम कह देंगे कि वो फील्ड बन गई। तो इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट का। ठीक है, अब ये हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जिसमें हर एलिमेंट का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तो फील्ड बन जाती है। यहाँ पे इन्होंने एक फाइनाइट, क्या कहते हैं फाइनाइट नहीं, एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है तो पक्की बात है फील्ड बनेगी, चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल सा एक शॉर्टकट दे दिया, तुम्हें इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं। सिंपल बात है कि अगर तुम कह दो फाइनाइट है इंटीग्रल डोमेन, इफ इंटीग्रल डोमेन इज फाइनाइट दिस इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन बिकम्स अ फील्ड, तो फील्ड बन जाएगी, बस खत्म बात। तो ये शॉर्टकट बन गया। अब अगर ऐसा शॉर्टकट है इसका मतलब कि इंटीग्रल डोमेन जैसे ही फाइनाइट होती है उसमें सारे एलिमेंट के इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाते हैं, यही मतलब हुआ ना इसका, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनाने के लिए हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए।
और अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बन जाती है, यानी कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में हर एलिमेंट का इन्वर्स प्रेजेंट होता है, बस उसी चीज़ को हमने आज प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन और हमें प्रूव करना है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी हमें उस इंटीग्रल डोमेन में मिल जाएगा। थ्योरम क्या कहती है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स आर फील्ड, यानी कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज एक्चुअली अ फील्ड। चलो करें फिर इसको प्रूफ, आपके सामने प्रूफ लिखा है बट वी कैन या गो विदाउट दिस प्रूफ, मतलब हम यही प्रूफ प्रूफ करेंगे बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। क्या लेके चलना है हमें, गिवन क्या है, गिवन है एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, लेट कुछ मान लेते हैं, मान लो आर, आर प्लस डॉट इज अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ये अपने को गिवन है, ठीक है, बढ़िया। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि फील्ड बन जाएगी, सो टू शो दैट आर प्लस डॉट इज अ फील्ड, अ फील्ड शो करने के लिए एक्चुअली हमें क्या शुरू करना है कि हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करे इनवर्स, दैट इज हमारा काम बस इतना रह गया है, लेफ्ट टू शो, क्या दिखाना रह गया है, दैट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, हर ए बिलोंगिंग टू आर दैट इज नॉन जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए ना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर सच दैट ए इज नॉन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट, अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, यानी कि ए को जो हम ए से इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वन आ जाए। तो ये हमें शो करना है कि हर ए के लिए जो कि नॉन जीरो है हमें एक इन्वर्स मिल जाएगा सच दैट ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू वन, यानी कि हमें हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाएगा, सिर्फ इतना दिखाना है, अगर ऐसा हमने कर दिया तो काम खत्म है, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो कि एक कोई ए है, हमने अभी मान के चला कि वो आर में बिलोंग करता है, अभी मान के ही चला ए आर में बिलोंग करता है, तो आर क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इसका मतलब ए स्क्वायर भी आर में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, है कि नहीं, क्यों, ए स्क्वायर का मतलब क्या, बेसिकली ए डॉट ए, और ए डॉट ए तो है तो क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो उसमें बिलोंग करेगा, इसी तरीके से ए क्यूब भी बिलोंग करेगा बिकॉज दैट इज ए स्क्वायर डॉट ए, तो ये भी आर में बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन, हम देखेंगे सारी पावर्स जो हैं ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेस पर फोर सब बिलोंग करेंगी आर के अंदर बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सेम प्रॉपर्टी ही यहाँ पे लागू हो रही है, ठीक है। अब इसका मतलब इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, पर इन्फिनाइट तो नहीं है, कैसे एलिमेंट है, हमने स्टार्टिंग में लेके चला है कि डोमेन जो अपनी इंटीग्रल डोमेन है वो कैसी है, फाइनाइट है। अब अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है, यानी कि कुछ टाइम बाद रिपीट करने पर लग जाएंगे अपनी वैल्यूज, तो मान लेते हैं कि कोई ऐसे हमें आई और जे मिल जाएगा आफ्टर सम टाइम सच दैट ए आई इज इक्वल टू ए जे, है ना, क्योंकि कुछ टाइम बाद वैल्यूज रिपीट होने लग जाएंगे क्योंकि फाइनाइट है तो इन्फिनाइट तक तो हम जा नहीं सकते, तो कुछ टाइम बाद वैल्यूज रिपीट होंगी, तो कोई आई और जे के लिए ए आई इज इक्वल टू ए जे आ जाएगा फॉर सम I not equal to J, ठीक है, बढ़िया। अब ठीक है, अगर AI AJ के बराबर आ गया बहुत अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि हम इसको AI minus J, हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देते हैं, दिस इंप्लाइज AI minus J इज इक्वल टू वन, यहाँ तक ठीक है, हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे हमें ये तो मालूम नहीं है अभी, पर हमें देखना है कि करता है नहीं करता, तो हमने क्या किया, हमने इसको इधर ले आए, दैट इज़ ए आई माइनस जे इज इक्वल टू वन, जैसे कि अपने प्रूफ में गिवन है, हमने क्या किया, हमने ये लेके चला, जैसे आप फॉलो करो बुक के लाइन को, कि हमने देखा कि कोई ए हमने ले लिया, कोई भी हमारे पास ए एलिमेंट है दैट इज़ नॉन जीरो, ठीक है, ए को इन्होंने पहले वाप वन मान के देखा, हमने यहाँ तक करा जहाँ तक हम प्रोसीड करें, ठीक है। अब मान के चलो कि ए वन है, अगर ए वन है तो ए वन तो अपना इन्वर्स होता है क्योंकि वन का इन्वर्स वन होता है, तो ए नॉन जीरो तो हमने मान के चला था, अब साथ साथ में हमने एक और कंडीशन मान ली दैट ए इज, अगर वन वन को हम लेके चले इज इक्वल टू वन तो हमारा काम खत्म हो गया, तो केस वन वर्स दैट ए इज इक्वल टू वन और वन इन्वर्स वन होता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब सेकेंड केस है कि अपना ए क्या हो जाएगा, अब नॉन नॉट इक्वल टू वन है, अगर ए नॉट इक्वल टू वन है फिर हमने देखा कि अगर ए ए स्क्वायर ए क्यू बिलोंग कर रहे हैं इसमें और क्योंकि डोमेन फाइनाइट है तो कुछ टाइम बाद कोई ऐसे इंटीजर्स मिल जाएंगे आई एन जे सच दैट कोई भी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, समझते हो ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, या तो आई ग्रेटर देन जे मान लो या जे ग्रेटर देन आई मान लो, कुछ भी मान लो सच दैट ए इक्वल हो जाए। और फिर हमने देखा था पीछे, हमने अलग से एक वीडियो में प्रूव किया था कि इंटीग्रल डोमेन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो इसलिए हमारे पास आ गया दैट ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब a क्योंकि 1 के बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक ठीक है,
अब दोनों साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें ए से। अब डिवाइड ए से करने के लिए हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने इसका आर्ग्यूमेंट दिया कि ए वन के बराबर नहीं है और हमें मालूम है कि आई माइनस जे वन से बड़ा हो गया, इसलिए समझ रहे हो आप। देन वी हैव दैट बेसिकली ए माइनस जे माइनस वन कर दें हम इसकी पावर, तो ये आ जाएगा ए माइनस वन, दैट इज़ बेसिकली इन्वर्स ऑफ ए। तो हमने देखा कि हर एलिमेंट ए का इन्वर्स हम ढूंढ सकते हैं, किस टाइप का दिखाई देगा, ए माइनस ए रेस पर आई माइनस जे माइनस वन, कंसिडरिंग दैट आई माइनस जे इज ग्रेटर देन वन। समझ में आ गई बात। तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि बेसिकली हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में हमें हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाएगा, तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज बेसिकली अ फील्ड। किसी को कोई डाउट? इजी था प्रूफ, बस समझना इतना था कि इसमें इन्वर्स की कमी है और हर एलिमेंट का हमें इन्वर्स लेकर आना है, तो उसी को लाने के लिए हमने मेहनत करी है इतनी। हमने शो करा अपनी जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज़ करके शो करा कि हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एक्चुअल में एक फील्ड ही बन जाती है। चलो ठीक है, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल देखो और आपको अपना आंसर जो है दोबारा से मिल जाएगा। एग्जाम्पल दो, इंटीग्रल डोमेन हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा z का, पर ये कैसी है, ये इन्फाइनाइट है, तो ये फील्ड बने या न बने हम इस थ्योरम की हेल्प से नहीं कह सकते, और वैसे भी फील्ड नहीं बनती क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है, तो इस पे तो थ्योरम वैसे भी लागू नहीं हो रही। कोई और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल दो। सपोज हम ले लें जेड ओवर या जेड थ्री ले लें, ठीक है। जेड थ्री कैसी है, एडिशन मॉडुलो थ्री के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो थ्री के रिस्पेक्ट में। आप सबको मालूम है इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगी, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करती है जब जेड एन में एन क्या हो, प्राइम हो, यहाँ पे थ्री प्राइम हो, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगी। और आपको मालूम है फाइनाइट है, किस कितने एलिमेंट होते हैं जेड थ्री में, थ्री एलिमेंट्स होते हैं, थ्री इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। तो आपने देखा इंटीग्रल डोमेन भी और फाइनाइट भी है, और हमने कल ही एग्जाम्पल में इसको वेरीफाई भी किया था कि एक्चुअली फील्ड भी है, और आज हमने थ्योरम से वेरीफाई भी कर लिया कि अगर इंटीग्रल डोमेन है और फाइनाइट है तो फील्ड बन गई, ठीक है। इसके अलावा और भी हमने और एग्जाम्पल्स देखे थे कल, सपोज हमने ले लिया इस तरीके से जेड फाइव ओवर आयोटा, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी आयोटा, सच दैट ए और बी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, जेड फाइव से। बताओ ये इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन की सारी प्रॉपर्टीज चेक करो, पहली बात वो रिंग होनी चाहिए, फिर वो कॉमिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसमें यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, और बस इतना ही, तो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी और नो जीरो डिवाइजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखो क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, तो आप चेक करोगे इंटीग्रल डोमेन तो ये बन जाएगी, तो दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब चेक करो इसका ऑर्डर कितना है, जेड फाइव ओवर आयोटा में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जेड फाइव में कितने एलिमेंट्स आएंगे, फाइव, यानी कि इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, फाइव, इसके लिए भी बी के लिए भी फाइव पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनकी टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, पच्चीस, एंड पच्चीस इज अ फाइनाइट नंबर, यानी कि इंटीग्रल डोमेन है, साथ साथ में फाइनाइट भी है, तो हमने देखा बेसिकली क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। इंटीग्रल डोमेन है और फाइनाइट है तो बन गई फील्ड, क्लियर है बात। इसी तरीके से आप और भी कुछ प्रूव कर सकते हो, है ना, और भी एग्जांपल्स आप बना सकते हो, आपको मिलते जाएंगे। तो प्रोसेस क्या था, बस इतनी सी बात याद रखनी कि इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए, जो फाइनाइट हो तो हम बोल देंगे कि वो फील्ड बन गई है। तो आज की थ्योरम में कुछ समझ ना आया हो तो पूछें, मुश्किल तो नहीं था, कुछ भी आसान था, बस एक सिंपल सी थ्योरम थी जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और उसको याद रखने के लिए हमने उसके प्रूफ को समझा, और फिर अब ये थ्योरम हम भूलेंगे नहीं क्योंकि हमने प्रूफ भी देख लिया इसका, ठीक है। तो सिंपल बात क्या है कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड बनेगी पक्का। तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि आपको क्या करना है, कुछ फाइव एग्जाम्पल्स देखने फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के जो कि फील्ड बन जाए, और जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो उनके अलावा हो, ठीक है, जो कि फील्ड बन जाए, ऐसे आपको एग्जांपल्स देखने, और फिर मुझे आपको ईमेल करने हैं। ईमेल आपको मालूम ही है, अपने चैनल का नाम दैट इज़ ट्रिप बोहेमिया आगे लगा दो .com@gmail.com। और आप ऐसा करोगे तो आपकी आज की जो थ्योरम है और उसकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो होमवर्क करने पे ज़रा थोड़ा सा जोर दें, बिल्कुल दो चार मिनट का काम है, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। तो रोहित गौतम एक डाउट पूछ रहे हैं, रोहित गौतम का कहना है कि UN फॉर्म नहीं कर पाएगा या नहीं, फॉर्म नहीं कर पाएगा या नहीं, आई मीन नहीं करेगा, बिकॉज जीरो नहीं बिलोंग करेगा UN में। रोहित गौतम, UN को हम अगर हम इंटीग्रल डोमेन बनाना चाहते हैं बिल्कुल, तो सबसे पहला काम है कि देखो UN में एलिमेंट्स कैसे आते हैं, यूनिट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कैसे हों, x बिलोंग्स टू
कोई नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आते हैं सच दैट एक्स कैसे हो वन से बड़े हों और एन से छोटे हों और साथ में इन एक्स का एन के साथ जी सी डी क्या हो वन। अब इसका मतलब इसमें ज़ीरो नहीं आएगा और अगर ज़ीरो एलिमेंट ही नहीं आ रहा यू एन में तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। ये पहले रिंग ही नहीं बन पाएगी तो ये अगर रिंग ही नहीं बन रही है तो फिर उसके आगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है तो दिक्कत वाली बात है। तो रिंग बन पाएगी फिर हम उसमें इंटीग्रल डोमेन तक उस बात को ले पाएंगे और फिर आगे कुछ डिस्कशन कर पाएंगे। समझ रहे हैं? बढ़िया। एम डी हसन का कहना है कि दैट ही मेल्ड मी बट आई डिड नॉट रिप्लाई। एम डी गिव मी सम टाइम यार, कम से कम 10 दिन का तो टाइम दिया करो बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मेल्स टू चेक एंड साथ में यू नो और बहुत सारी लंबी लिस्ट है तो लॉट ऑफ मैसेजेस लॉट ऑफ मेल्स इट टेक्स मी टाइम। हाँ बट आई श्योरली रिप्लाई, सो गिव मी अ टाइम ऑफ अराउंड अ वीक आई विल श्योरली रिप्लाई। पर होमवर्क ज़रूर करो, आप रिप्लाई ज़रूर करो एंड आप यू कैन आस्क एनीवन जो होमवर्क रेगुलरली करता है जैसे कि सौरभ या महक जो करते हैं उनका रिप्लाई उन्हें मिलता है ज़रूर। यू जस्ट विल हैव टू बी लिटिल पेशेंट और बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है तो होमवर्क ज़रूर करना, रिप्लाई आएगा। तो आज की वीडियो में किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखें कि हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो पढ़ाई तो बस करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है तो काम पे ध्यान दें। आज हमने एक लेसन पढ़ा था, इसको भी ध्यान रखें और आगे ज़िंदगी में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको याद रखें। आज हमें जो भी लोग हैं जिनके चक्कर में वीडियो बन पाई है जैसे कि मेरे टीचर्स जिन्होंने मेरे को पढ़ाया और मेरे पेरेंट्स स्पेशली, उन सब के लिए थैंक यू एंड थैंक यू आपका भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर आपको डाउट हो या वीडियो में फीडबैक देना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं tribhuvian.com@gmail.com पे और सब्जेक्ट में ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ आपको अपना नाम लिखना है और आगे लिख देना है यूट्यूब फॉलोअर। ठीक है जी तो थैंक यू। tribhuvian साइनिंग ऑफ। आई एम इशिका एंड यू आर अ लवली ऑडियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।